हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपा और स्वागत करती हूं आप सभी का deepasoni.com में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यदि गर्भ में पल रहे बेबी का वजन कम है तो हम अपने आहार में क्या शामिल करें कि हमारे गर्भस्थ शिशु का वजन आसानी से बढ़ पाए। लेकिन फ्रेंड्स, इन सारी बातों से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के बटन को क्लिक कर लें। इससे हमारे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और ये करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। दोस्तों, महिला को जब से प्रेगनेंसी का पता चलता है तभी से वह अपने गर्भस्थ शिशु का ख्याल रखने लगती है, लेकिन इनके बावजूद भी शिशु का वजन कम हो जाता है। शिशु का वजन अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि कम है या ठीक है। दोस्तों, शिशु का वजन आप बेहतरीन खान पान से बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ करें। दोस्तों, अपने खान पान में डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ बढ़ा दें। दूध, दही, छाछ, पनीर, घी, ये सारी चीज़ें अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। इससे शिशु की हड्डियाँ और कोशिकाएँ मजबूत होती हैं, महिला को भी इससे पोषण मिलता है और शिशु का वजन बढ़ता है। दोस्तों, अपने गर्भस्थ शिशु के वजन को बढ़ाने के लिए आपको सभी प्रकार की दालें उपयोग में ज़रूर लानी चाहिए। अपने खान पान में और अपने आहार में ज़रूर दालों को शामिल करें। इससे आपको कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, पोटेशियम, ये सारे पोषक तत्व मिलते हैं जो कि गर्भ में पल रहे शिशु के बेहतरीन विकास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और शिशु के वजन को बढ़ाने में भी ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा सूखे मेवे आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। दोस्तों, जिन प्रेग्नेंट महिलाओं के गर्भस्थ शिशु का वजन नहीं बढ़ पा रहा है तो सूखे मेवे भी उन्हें बहुत हद तक हेल्प कर सकते हैं। इससे आपको बहुत से विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो कि आपके शिशु के बेहतरीन विकास के लिए ज़रूरी हैं और इसमें मौजूद पोषक तत्व तो आपके शिशु की शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करते हैं। दोस्तों, अपनी डाइट में फलों और हरी पत्तेदार सब्जियों को भी आप ज़रूर शामिल करें। और इसके अलावा दोस्तों, प्रेगनेंसी में आपको डॉक्टर्स के द्वारा कुछ विटामिन्स की टेबलेट दी जाती हैं, आप उनका सेवन ज़रूर करें। इससे आप में या आपके शिशु में जो भी विटामिन्स या मिनरल्स की कमी होगी वो दूर हो जाएगी। इसके लिए आप बिना आलस्य किए उन दवाओं का सेवन जरूर करें। इसके अलावा अपने खान पान में भी आप विशेष ध्यान दें और सफ़ेद रसगुल्ले का भी सेवन आपके लिए लाभदायक हो सकता है। दोस्तों, इससे आपके शिशु के वजन को बढ़ाने में भी हेल्प मिलती है। प्रेगनेंसी में आप योगासन और व्यायाम पर भी विशेष ध्यान दें, इससे गर्भ में शिशु एक्टिव रहता है। संपूर्ण पोषक तत्वों से युक्त भोजन करें। और दोस्तों, प्रेग्नेंट महिला जितना अपना ध्यान रखती है उतना ही ज़्यादा शिशु गर्भ में एक्टिव और स्वस्थ रहता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल deepasoni.com को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।